के बैंड्रा वेस्ट स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के मुताबिक कोरोना में 4.8 लाख मौतें हुई, जबकि WHO के मुताबिक कोरोना से देश में 47 लाख मौतें हुई। वहीं मुंबई कांग्रेस युवा नेता जिशान सिद्दीकी ने कहा कि सरकार सही आंकड़ों को क्यों नहीं बता रही है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो किस तरीके से अपने कोविड के आंकड़ों को, जो मृत्यु हुई है कोविड के काल में, उसको किस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। उनके WHO के तौर पर, जो एक इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से पूरे देश में तकरीबन 47 लाख लोगों की डेथ हुई है। ये शुरुआत हुआ था कोविड में मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक, उनके हिसाब से 47 लाख लोगों की मौत हुई है कोविड में। मगर अगर आप भारत सरकार की बात करें तो उनके आंकड़ों के, अगर हम उनके आंकड़े देखें, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 4 लाख, तकरीबन 4.8 लाख लोगों की डेथ हुई है, तकरीबन 4,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हमारी यही मांग है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया और इसके बारे में मांग की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा कोविड पेशेंट्स को, जिनको जिनकी डेथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड की वजह से हुई है, उनको मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए का मिलना चाहिए उनके परिवार को। फिलहाल मुआवजा कोविड डेथ जब कंफर्म होती है तो भारत सरकार तकरीबन 50,000 देती है, मगर ये, और वो भी सिर्फ 4,80,000 लोगों की परिवारों को मिला है, जबकि असल में आंकड़ा कम से कम 47 लाख है। तो कांग्रेस पार्टी की, इंडियन यूथ कांग्रेस की यही मांग है कि सारे 47 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई है, उनको और उनके जो परिवार है, उनको ये मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए का मिलना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देश की स्थिति देख रहे हो तो देश में हर एक चीज़, जैसे महंगाई को लेकर, जब भी कोई असल टॉपिक आता है तो उसे कवर करने के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन डाल देती है। जैसे आप मीडिया भी कवर नहीं करे ये लोग, मगर WHO ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि सारे 47 लाख लोगों के परिवारों को मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए का दिया जाए। और जब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन WHO कह रही है कि 47 लाख लोग मर गए हैं कोविड की वजह से, इतनी बुरी तरीके से भारत सरकार ने कोविड को टैकल किया है, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि कोविड आने वाला है और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, मगर कोविड को इतनी बुरी तरीके से, खास कर बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश में और अनेक स्टेट्स में, इतने बुरी तरीके से कोविड को टैकल किया गया है, और उसके बाद आज हम पूरे दुनिया के सामने एक मजाक हमारा बना रहे हैं कि जो एक्चुअल डेथ्स है उसका सिर्फ 10% बता के। तो इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर हम अनसक्सेसफुल हुए हैं कोविड में हैंडल करने के लिए तो वो हमें बताना चाहिए, और जो एक्चुअल में डेथ्स हुई है उसके बारे में भी बताना चाहिए, और उनके फैमिलीज को सही तरीके से मुआवजा भी मिलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, 4 लाख रुपए मुआवजा प्रति फैमिली को ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बारे में हम इधर बैठे हैं और आपके आपके माध्यम से हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि हर एक परिवार को, जिसकी जिसके परिवार में एक डेथ हुई है, उनको आप मुआवजा दीजिए और आंकड़ों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप, ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिर क्यों छुपाया जा रहा है सारी चीज़ें? इस देश में हर एक चीज़ को छुपाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो महंगाई होती है या तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो कोई और किसी पे इल्ज़ाम डालने की कोशिश करते हैं।
हमारी ये जो सरकार है भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए आंकड़ों को कम बता रही है। वो बताना चाहती है कि इतनी मृत्यु हुई नहीं है, हालांकि पूरे देश में अस्पतालों की कमी थी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत थी। पूरे देश में हमने देखा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस लोगों को ऑक्सीजन दे रही थी, पर सरकार हिल रही नहीं थी, भाजपा के नेता अपने कमरों में अपने घर पे थे। तो ये अपनी खामियां छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार आंकड़ों को कम बता रही है, जो बहुत गलत है और पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। जिस तरीके से पूरे भारत की अगर हम बात करें, कोविड में ऐसे बहुत सारे गांव खेड़े थे जहां पर अब तक आंकड़े खुलकर सामने नहीं आए देश के, और जिस तरीके से WHO ने बताया कि 47 लाख डेथ हो चुकी है, तो अभी भी बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो सामने नहीं आए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर जो रिपोर्ट्स WHO को ऑफिशियली मिली है उनके हिसाब से भी 47 लाख है, हमारे हिसाब से तो उससे भी ज़्यादा है। मगर WHO की तो आप माने, हमारी भारत सरकार बीजेपी सरकार तो ऐसी सरकार है कि WHO को या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानती है, वो सोचती है कि जो वो कहती है वो सच है, और ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करता है पूरी दुनिया में, और जो देश का जो इमेज है वो इससे बहुत खराब होता है पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जिस तरीके से